और नाज़रीन, लाहौर पुलिस जराइम पेशा अफराद को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम है। जराइम पेशा अफराद की किनाल रोड पर फायरिंग की फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। सेफ सिटी कैमरास, डॉल्फिन फोर्स, पेट्रोलिंग फोर्स, तमाम फोर्स नाकाम हो गई है। किनाल रोड पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान फायरिंग करते देखे जा सकते हैं। बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा कहाँ पर मौजूद है कानून लाहौर में? जिस तरह ये फुटेज टेलीविजन के ऊपर आप मनाजिर देख रहे हैं, ये फुटेज देख रहे हैं, इससे तो लग रहा है लाहौर के अंदर जो है वो जंगल का कानून है, क्योंकि लाहौर पुलिस की तरफ से और हुकूमत की जानिब से ये बुलंदोबांद दावे किए जाते हैं कि लाहौर को सेफ बनाने के लिए सेफ सिटी के कैमराज भी तैनात हैं और उसके साथ साथ डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट समेत दीगर जो फोर्सेज हैं वो शहरियों को महफूज बनाने के लिए मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम फोर्सेज के बावजूद शहर में इस तरह के अफराद जो हैं, जराइम पेशा अफराद सरेआम हवाई फायरिंग कर रहे हैं और ये किनाल रोड पर वाकया है जो दो रोज कबल पेश आया और दो रोज से अभी तक किसी ने इस ना सीसीटीवी कैमरा के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया और ना ही जो डॉल्फिन स्क्वाड या दीगर जो फोर्सेज हैं उसमें इस चीज को रिपोर्ट किया गया कि इस तरह को कोई वाकया हुआ है। लेकिन ये अगर जब फुटेज जो मंजर आम पे आई है तो उसके बाद कानून हरकत में आया और इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन ने भी अहकाम जारी किए हैं कि मुल्जमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये तमाम जो बयान हैं ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन मुल्जमान के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और देखा जा सकता है कि फुटेज के अंदर कि मुल्जमान किस तरह सरेआम दीदा दलेरी के साथ किनाल रोड के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान मलिक।